हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सर, आज मैं अपने खेत में गया हूँ और आपको मैं पूरी खेत की लोकेशन दिखाऊंगा। और कुछ टाइम पहले तो ये खेत बहुत ही अजीब और गरीब था और उसमें पानी पानी भरा हुआ था और बहुत ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं हमारे बदरों में। आप भी देख सकते हो कि हमारे बदरों की कितनी खूबसूरती है। और अभी मैं अपने खेत स्पॉट भी है बैठने के लिए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि देखने के काबिल हैं। और ये देख रहे हो कि मेरे जो पीछे दूसरा एक पहाड़ है और वो भी कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। आज मैं वहाँ पे ही गया था लेकिन वहाँ पे मैंने लोकेशन नहीं दिखाई। और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे और देखने के काबिल है। आप पूरा देखें और ब्लॉग में बने रहें। सोचा कि मैं भी आज फर्स्ट ब्लॉग बनाऊँ। ये देख रहे हो लोकेशन, ये कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिखाया था कि जब धान लगा रहे थे तब कैसा था और आज कैसा है। सो गाइस, फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गया हूं। ये है मेरा खेत, ये देख रहे हो, ये मेरा खेत है। इसमें हमने धान लगाया था कुछ टाइम पहले और आप देख सकते हो कि इसमें धान लगाने के बाद अब ये की और जब कटाई होगी तब भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और आज मैं यहां पे आया हूं, देख रहे हो कितना घास है और डर भी लगता है कि इसमें कहीं स्नेक ना हो या कीड़े मकोड़े कुछ हो या कुछ भी हो सकता है। और बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घास है। यहाँ तक पहुँचा हूँ, देख सकते हो कि कुछ टाइम पहले मैंने आपके लिए एक ब्लॉग बनाया था कि यहाँ पे मेरा खेत है और खेत में पानी लगाया हुआ है। आज देख सकते हो कि कितना अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही स्मूथली दिख रहा है देखो। और वहाँ पर मक्खियाँ हैं, यहाँ पर पहले मक्खियाँ नहीं होती थी। तो सो गाइज, और ये जो है ये पूरा खेत हमारा ही है और इसमें हमने पहले पानी लगाया था, फिर इसको खोदा था, फिर उसके बाद ये धान लगाया था। देख रहे हो कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, जा सकता था लेकिन मैंने शूज़ नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे ही रुका हूँ जो कि मेरा खेत है। इधर से आगे जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ क्योंकि मैंने शूज़ नहीं लगाया है। अगर शूज़ लगाया होता तो मैं आगे जा सकता था लेकिन बहुत ही ज़्यादा घास है। क्या पता अभी गर्मी का टाइम है तो क्या पता कहाँ पे क्या बैठा हुआ होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि हम अब कहाँ से कहाँ जाएँगे। तो गाइस, अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ मगर बहुत ही डरते डरते यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी अच्छी लोकेशन है हमारे बदरवा की और देखने के काबिल है। और वो वहाँ ऊपर देखो, वहाँ पे पहाड़ हैं और वहाँ नीचे जो है वो ध्रजा है, उधर से जाके रिवर है, थोड़ा थोड़ा रिवर भी है। और मैं बोलता हूँ कि हमारा बदरवा बहुत ही सुंदर है और जो भी हमारे बदरवा में विज़िट नहीं किया है तो वो हमारे बदरवा में विज़िट करें, ज़रूर करें क्योंकि हमारा बदरवा बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही सुंदर है। और देखो यहाँ पे आगे जा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो धान हुआ है वो पूरा लग गया है। ये देखो कितनी अच्छी सुंदर व्यू है हमारे यहाँ पे, देखने के काबिल है। आप देख सकते हो जो भी मेरे बदरवा में नहीं आया है वो विज़िट ज़रूर करें क्योंकि हमारा बदरवा बहुत ही सुंदर और यूनिक है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो देखने के काबिल हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं आप सबको हर जगह, हर स्पॉट, हर पिकनिक स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज कहोगे आप कितना सुंदर व्यू है हमारे इस बदरवा में। तो सो गाइस आगे चलते हैं। ये है हमारा बदरवा, आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है हमारा बदरवा, देखने के काबिल है और पूरा हरा भरा है। जहाँ देखो वहाँ हरा ही हरा दिख रहा है। और कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे ये हरियाली नहीं थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था और सब लोग अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए थे लेकिन आज कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर रहा है और सब के सब घास कटाई में लगे हुए हैं। और कुछ टाइम के बाद मैं आगे एक मेरा मामा है उसको भी दिखाऊंगा। फाइनली मैं अपने इधर खेत में पहुंच गया हूँ। आप देख सकते हो कि वहाँ पर मेरा खेत है और उस खेत मैं नहीं गया हूँ तो अभी मैं अपने खेत के बाहर ही हूँ। और वह देख रहे हो कहीं कोई तो गाय चराने यहाँ पर आया है और कोई घास कटाई करने आया और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैंने सोचा था यहाँ पे कोई नहीं होगा लेकिन साथ ब्लॉग में बने रहें। और अब मैं वापस जा रहा हूँ और मेरे ब्लॉग में बने रहें। यहाँ पे कहीं भी स्नेक हो सकता है और उससे ही बचना है क्योंकि वो बेजान जानवर है, उसको नहीं पता है कहीं पाँव पड़ जाए तो वो काट लेगा, इसलिए थोड़ा बच के चलना पड़ेगा।
उसको देख देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देख रहे हो कितना अच्छे फूल हैं, आ रहा कितने खूबसूरत फूल दिख रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देख रहे हो कितना सुंदर है और बादल भी है, बारिश भी आने वाली है और बहुत ही मस्त लोकेशन है आज, हरियाली ही हरियाली है। ये देखो इधर सरतेंगल बोलते हैं और बारिश का मौसम देख रहे हो आप। पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अभी मौसम बहुत ही मस्त है। ये देखो और यहाँ पे जो है नीचे यूनिवर्सिटी है। आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, मैं यहाँ से जाऊँगा वहाँ के लिए कैमरा भी रखूँगा। जो घास है वो बहुत ही लंबा है यहाँ पे, तो डर लगता है कहीं किसी कीड़े पे पाँव ना डाल दूँ, क्योंकि मैंने शूज़ नहीं लगाया है। बहुत ही झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अगर शूज़ लगाया होता तो फिर तब जाके। ये देख रहे हो कितनी अच्छी लोकेशन है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। मैं आपको मामा को भी दिखाऊंगा कि मामा मेरा कहाँ पे है, वो भी घास काट रहे हैं। ये मेरा मामा, देख रहे हो घास कटाई करके वापस आए हैं। आ जाओ नीचे आ जाओ। इन्हें घास काटा है, जो कि मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे घास कटाई चली हुई है। ये मेरे मामा हैं जो कि घास काट के वापस जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गाइस कि मामा जो मेरा है वो मक्खियों के बीच से निकलेगा। घास कैसे उठाया देखना, ये देखो। ये है मेरे ओरिजिनल मामा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और आज आपको सब लोकेशन दिखाई मैंने, और आज के लिए भी इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको हमारा बदलाव कैसा लगा। सो थैंक यू।